यादव पे बार बार आरोप लगता है कि वो परिवारवाद है, अपने बेटी को टिकट दे दिए, मीसा भाटी को दे दिए। बोलते हैं कि उनके बेटी को टिकट दे दिया, आपने कहा कि बेटी को टिकट दे दिया, क्या बेटी को? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और हमारे चुनावी चर्चा का माहौल में, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ है अरविंद टाइम्स के संवाददाता अरविंद कुमार, और इनसे हम लोग तमाम विशेष चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लालू यादव पे बार बार आरोप लगता है कि वो परिवारवाद है, अपने बेटी को टिकट दे दिए, मीसा भारती को दे दिए, रोहिणी आचार्य को दे दिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री का पद के लिए उम्मीदवार बना दिए। इस पे क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पे आप? देखिए, कौन लोग हैं जो इन पे लाछन लगाते हैं? वही लोग हैं जो लाछन लगाना और गाली पढ़ने का काम करता है, जिसको संवैधानिक चीज़ों का मतलब मूल मंत्र याद नहीं होता है, वही लोग लाछन लगाते हैं। जानते हैं क्या है कि लोग लालू जी पर ही परिवारवाद क्यों लगाते हैं? बोलते हैं कि उनके बेटी को टिकट दे दिया, आपने कहा कि बेटी को टिकट दे दिया, क्या बेटी को टिकट देना गुनाह है क्या? एक दूसरा नंबर बात, कोई और प्रत्याशी तो भी हो सकता है ना बेटी के अलावा। आप देखिए ना, बीजेपी में भी उसी तरह का है, एनडीए जो लिखता है कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार में कौन कौन है हम बता दें, 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता नहीं है, ये भूल है, ये वही गोदी पत्रकार गोदी मीडिया दिखाता है कि 140 करोड़ उनका परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता देते हैं, देखिए ट्विटर पर अभी ट्रेंड कर रहा था 140 करोड़ परिवार, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे, आम जनता भी थी, वही लोग लिखे खुशबू जी कि जो उनका सदस्य था। हाँ। और वो उन लोग भी सर्वे किए तो मोदी का परिवार हवा निकल गया, वो लोग वहीं तक सीमित रह गए। लेकिन आपको बताते हैं, लालू जी पर परिवारवाद पर चर्चा कर लीजिए, अब एनडीए परिवार, एनडीए में परिवार में कौन कौन है बिहार में? तो लोजपा है, जदयू है और बीजेपी, यह तीन पार्टी है, और तीनों पार्टी में आप समझिए कि परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का हम उसका लिस्ट दिखा देंगे खुशबू जी, आप पूरा लिस्ट हम बताते हैं आपको। आप दावा कर रहे हैं चैनल पे, आप लाइव दावा कर रहे हैं? हाँ, लाइव दावा कर रहे हैं, हम बताते हैं आपको कि परिवारवाद का परिभाषा लिस्ट बना के लाए हैं। लालू जी पे ही क्यों लगता है? हाँ। और अदर पे क्यों नहीं लगता है? वो अपने बेटी को टिकट दे दिए। एक मिनट खुशबू जी, जो हम वो करे तो क्या हो गया, रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला, ऐसा नहीं चलेगा। लोग समझदार हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, लोग सोशल मीडिया पर बोलना चाहता है, जानना चाहता है, देखता है, सीखता है, यह सोशल मीडिया का जमाना है। कह दिन आप परिवारवाद के झूठा आरोप में आप किसी को बरगलाइएगा, कह दिन लोग आपसे एक सवाल ये बताइए, अभी हाल में ही तेजस्वी यादव का बयान आया था, अभी वो मोर्चा संभाल रहे थे और बताया कि हम गरीबों का सरकार चलाते हैं, हम पिछड़ों का सरकार चलाते हैं। तो बिहार वैशाली से जो 75 साल में अभी भी पिछड़ों को अभी टिकट नहीं मिला है, अभी भी मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है, तो पिछड़ों के सरकार चलाने वाले पिछड़ों को टिकट क्यों नहीं दे रहे? ये बताइए, भागीदारी सबको होना चाहिए। हाँ। जातीय जनगणना हुआ है ना, तब भागीदारी चाहे कोई भी बेहदर हो। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम A to Z का बात करते हैं, माई बाप का बात करते हैं ना, तो वही माई बाप में एक उनका भी भागीदारी बनता है, भूमिहार का भी भागीदारी बनता है। अगर एक सीट दे दिया का भागीदारी नहीं बनता है, मुस्लिम का भागीदारी नहीं बनता है, और जगह मिला है कि नहीं, पासवान का भागीदारी नहीं बनता है, अरे और जगह मिला है कि नहीं पासवान का टिकट, सब है इसमें। लेकिन अगर एगो मुन्ना शुक्ला का यहाँ मिल गया तो हाय तौबा मचा हुआ है, ये क्या हो गया? हाय तौबा नहीं मचना चाहिए। हम परिवारवाद का लिस्ट देते हैं आपको, आपको बताते हैं कि देखिए, हाजीपुर से कौन है? चिराग पासवान है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आपको बताते हैं पटना साहिब से कौन है? ठाकुर, उसका है ठाकुर प्रसाद, जिनका बेटा रविशंकर प्रसाद हुआ, ये परिवारवाद नहीं है? यह एनडीए का टिकट मिला हुआ है कि नहीं उनको? आपको बताते हैं जम्मू से कौन है? अरुण भारती, जो कि रामविलास पासवान का दामाद हुए, क्या यह परिवारवाद नहीं है? आपको बताते हैं सीवर से लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी हुई, क्या यह परिवारवाद नहीं है? आपको बताते हैं वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, जो कि बैजनाथ महतो का पुत्र हुआ, तो क्या यह परिवारवाद नहीं हुआ? पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल हुआ, क्या यह मदन जो सांसद थे वहाँ के मदन जायसवाल, तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? मधुबनी से अशोक यादव, जो कि हुकुम देव नारायण, जो बोलने वाला प्रखर प्रवक्ता, जो कि एक CM का हैसियत रखता था, क्या यह परिवारवाद नहीं है?
सिर्फ लालू जी पे ही परिवारवाद क्यों? पप्पू यादव का अपना पार्टी विलय करवा दिए कांग्रेस में, और फिर पप्पू यादव को टपला खिला रहे हैं, वो पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं, उनको वहाँ से टिकट नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत जोरों पे चल रहा है कि लालू जी पप्पू यादव को धोखा दे दिया। क्या पप्पू यादव धोखा खुद खाए हैं? वो खुद गलती किए हैं, इनका पार्टी था कि नहीं जा पार्टी? क्या तलवा नहीं चाटे लालू यादव के, इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, तलवा चाटने वाला बात कहाँ है। देखिए, पप्पू यादव खुद गलती किए हैं, अपने पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किए हैं, तो जो कांग्रेस का सीट पड़ेगा वहाँ अधिकार लीजिएगा। लालू जी पे क्यों लालचन लगा रहे हैं आप? क्या बनता है लालू जी से? जहाँ आपका सीट पड़ता है, कांग्रेस वहाँ पूर्णिया का सीट मांग रही थी, कांग्रेस पूर्णिया की सीट मांग रही थी लालू यादव से, लेकिन लालू यादव मनमानी किए और पूर्णिया का सीट अपने तरफ। इतना दम था, इतना बड़ा पार्टी है कांग्रेस, देश लेवल का पार्टी है, विपक्ष का सबसे मजबूत पार्टी है, तो क्या वो पूर्णिया सीट नहीं ले सकता था? ये तो मतलब एगो अपना कहाँ कमी रह गई पूर्णिया में, कहाँ कमी रह गई बताइए? पूर्णिया में कमी तो देखिए हर चीज़ में है कमी, परिवार में भी कमी है, सब में कमी, कमियाँ तो सब में है, लेकिन पप्पू यादव जी यहाँ गलती किए हैं, तेजस्वी यादव को नीचा दिखा के अपना राजनीतिक सेकना चाह रहे हैं, बीमा भारती से एक को कम दिखाकर, तेजस्वी यादव कम दिखाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। आप अगर मान लीजिए आपका हैसियत है तो आप दूसरे जगह से चुनाव लड़ लीजिए, क्यों नहीं लड़ते हैं? आप बाहुबली कहते हैं, आप गरीबों का मसीहा कहा रहे हैं, तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं दूसरे जगह से? काहे आपको पूर्णिया ही चाहिए? बगल में मधेपुरा है, चल जाइए, सुपौल है, आपका सीमांचल का जितना क्षेत्र है कोसी सीमांचल, वहाँ जाके लड़िए। सीधा आप कहते हैं कि हमारे हमको दागा दिया, अरे दागा कौन दिया? खूब अपना में स्टेमिना रहेगा ना, वो कहीं से लड़ लेगा चुनाव, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, चिराग पासवान का एक बयान आज ही वायरल हो रहा है कि बीना देवी हमारे नानी का निधन हुआ था तो सबसे पहले आई, इसीलिए हम टिकट दे दिए, लेकिन पिछड़े के जो जाति के लोग हैं वो काफ़ी नाराज है, पासवान समाज काफ़ी नाराज है चिराग पासवान से, तो इस पे क्या कहिएगा? अच्छा, क्यों नहीं पासवान समाज नाराज होगा? वोट देगा पासवान तो नाराज नहीं होगा, जो साथ नहीं रहता है उससे आप टिकट बेच लेते हैं तो नाराज नहीं होगा, जो आपके साथ 10 साल पार्टी में सेवा किया उसको आप टिकट नहीं दीजिएगा तो क्या आपका नाराज नहीं होगा? एक मिनट और बताते हैं आपको, उनके पार्टी से 22 लोग अभी प्रत्याशी जो है वह अथि दिया है, इस्तीफा त्याग पत्र दिया है, हम उसका लिस्ट भी गिनवा देते हैं आपको, लेकिन एक मिनट, लेकिन उसका अगला एपिसोड बनाइएगा। तो तमाम मुद्दे पर हम लोग बात किए हैं और इन्होंने विशेष तरीके से बताया है कि किस तरह से जातिवाद के नाम पर लालू यादव को बदनाम किया जाता है और तमाम पार्टियां हैं वो भी जातिवाद करती है। तो आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते किसी अगले मोर्चा पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।